भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन जोरदार वापसी करने जा रहे हैं। वो ना सिर्फ टीम में वापसी करने जा रहे हैं बल्कि टीम की कमान भी संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, ये खबर सच है। भारत के अगले कप्तान और कोच शिखर धवन और वीवीएस लक्ष्मण होंगे और आज बीसीसीआई इस खबर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकता है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक चीन की मेजबानी में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी का जिम्मा धवन संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इस बार एशियन गेम्स को लेकर बीसीसीआई की तरफ से पहले ही पुष्टि कर दी गई थी कि पुरुष और महिला दोनों टीमें इस क्रिकेट इवेंट में हिस्सा लेंगी। भारत की मेजबानी में 12 साल बाद 5 अक्टूबर से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होने जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ी इस मेगा टूर्नामेंट में व्यस्त रहेंगे। बीसीसीआई ने बी टीम एशियन गेम्स में 2023 में भेजने का फैसला किया है। वहीं महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख टीम ही एशियन गेम्स में भाग लेने जाएगी। एशियन गेम्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है और बीसीसीआई 30 जून यानी कि आज भारतीय ओलंपिक संघ को उन खिलाड़ियों की लिस्ट भेज देगा जिनको वह एशियन गेम्स में खेलने वाली टीम में चुन सकते हैं। अगर शिखर धवन की बात करें तो भारत के एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी रहे और अपनी बल्लेबाजी जिससे उन्होंने कई मैचेस भारत को जिताए हैं। उनका विदेशी धरती पर भी रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। इससे पहले वो श्रीलंका में और आईपीएल में कप्तानी की कमाल संभाल चुके हैं। और अगर उनके करियर की बात करें तो धवन ने अपना आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जुलाई 2021 में श्रीलंका के दौरे पर ही खेला था और अब तक धवन ने 68 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27 की औसत से 1759 रन बनाए और अभी तक उन्होंने इस फॉर्मेट में 11 अर्धशतक की पारी भी खेल चुके। अब देखना होगा कि क्या शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम को एशियन गेम्स में चैंपियन बन पाती है या नहीं, और गब्बर की इस वापसी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।